हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डील किया था डिटरमिनेंट्स के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में, और उसके अलावा मैंने आपको उसके दो मेथड्स बताए थे उसको सॉल्व करने के। आज अपन उससे थोड़ा आगे बढ़ते, आज अपन डील करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यानी इसके थ्योरम के बारे में, तो इसका सबसे पहला थ्योरम आता है, थ्योरम वन है। मैं यहां पर अपने मन से A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3 मान के चलो ये डिटरमिनेंट है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर किसी डिटरमिनेंट पे किसी एक रो या एक कॉलम, मैंने बोला किसी एक रो या एक कॉलम, पर्टिकुलरली एक रो लोगे या फिर एक कॉलम, उस एक रो और एक कॉलम पे आप किसी पे भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान के चलो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किसी नंबर डी से, किससे मल्टीप्लाई किया डी से। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ अ नंबर और कॉन्स्टेंट इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू एनी ऑफ द रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। इसका मतलब है कि अगर किसी कॉन्स्टेंट या नंबर को मैं किसी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकालूंगा मैं, वो पूरी वैल्यू भी उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर? तो जैसे कि अगर इस डिटरमिनेंट पे मैं डी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इस डिटरमिनेंट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मान के चलो इसको सॉल्व करने से मेरे को आ रहा था ए, क्या आ रहा था, कैपिटल ए इसकी वैल्यू आ रही थी। तो अब डी मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी डी। ऐसा इस थ्योरम का कहना है। सो गाइस अपन इस थ्योरम को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो मैंने आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 4, 6। अब इस डिटरमिनेंट को मेरे को सॉल्व करना है, तो क्या होता है गाइस, मैं हर बार डिटरमिनेंट को लिख नहीं सकता इतना सारा। इसका मैंने इसके रिप्रेजेंटेशन दे दिया इसको, कि मैं इसको ए बोलूंगा, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया, इतने बड़े को डिटरमिनेंट को एक नाम दे दिया ए। तो मैं यहां पर इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करूंगा यानी क्या करूं, मैं एक डिटरमिनेंट जिसको, अब डिटरमिनेंट भी बहुत बड़ा वर्ड है, तो मैं इसको डेट बोल रहा हूं, डेट ए। तो डेट ए मैंने निकालना है, डेट ए मतलब क्या होता है, इस डिटरमिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, डेट ए। इसके अलावा डेट ए को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा दो लाइन देखिए उसके बीच के अंदर आप ए लिख दीजिए, तो ये डेट ए रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी क्या करते हैं अपन, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे अपन। तो इसको सॉल्व करते, आई थिंक आप लोगों को पता सॉल्व कैसे करना है, मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया रखा था। आपको अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को देख लीजिए पहले, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे गाइस, तो क्या मिलेगा, 1 × 9 = 10 4 6 − 3 × 6 × 10 = 12 6 + 5 × 6 = 9 = 12 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, क्या मिलेगा, 1 × 9 = 54 − 4 × 14 = 40 −3 × 6 = 36 − 12 × 120 + 5 × 6 = 24 − 12 = 108 1 × 54 − 40 करेंगे तो 14 आएगा, −3 × 36 − 120 करेंगे तो आपको आएगा 84 −84 एक्चुअली 120 बढ़ा करके +5 × 24 − 108 करेंगे तो फिर अगेन आपको −84 ही मिलेगा क्योंकि 108 बढ़ा है। इसके अलावा 114 × 14 −3 × 84 = 252 अगेन ±5 × 84 = 420। आई होप आप लोग इतना समझ में आया होगा, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, जो कि आप बेसिक मैथ्स है जो आप सभी को आता है। अगर आपको फिर भी नहीं बनता तो, क्योंकि आप लोग कुछ कैलकुलेटर अलाउड रहते हैं, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो 14 + 252 = 266 एंड −420 नॉट 266 − 420 −154। आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आया होगी अपन को जो ए डिटरमिनेंट दिया गया था उसको सॉल्व करने से क्या वैल्यू मिलेगी, −154। बेटर रहेगा मैं इसको एक जगह पे लिख लेता हूं, मतलब साइड में कहीं पर, कि मैंने जब ए को सॉल्व किया यानी मैंने जब उसको डेटे निकाला, डेटे लिखते हैं ऐसा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी यहां पर एक्सप्लेन किया था, तो डेटे की वैल्यू निकाली कितनी है मेरे को, −154। अब अपने क्या करना गाइस, मैं इस डेट पे जैसा हम लोगों थ्योरम के अकॉर्डिंग
इस दिए गए डेट पे आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है किसी भी एक रो या एक कॉलम में, तो कोई भी रो कोई भी कॉलम हो सकता है, तो मैं फर्स्ट रो ले रहा हूं पहले, ठीक है, आप किसी में भी करें आंसर आपको सबसे सही आएगा, तो मैं पहले रो में मल्टीप्लाई कर देता हूं। किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, इस छोटे नंबर से लेते हैं, इजी समझ में आएगा, दो से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, टू से, ठीक है। तो नया डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा मुझे, इसमें टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू थ्री में टू मल्टीप्लाई किया तो सिक्स, फाइव में टू मल्टीप्लाई किया तो टेन, ओवर बस, क्योंकि पहले रो पे बस मल्टीप्लाई करना था, बाकी सारे एलिमेंट सेम रहेंगे, सिक्स नाइन टेन ट्वेल्व फोर सिक्स। मान के चलो ये जो नया डिटरमिनेंट आपको मिला, क्योंकि अब ये और ये डिटरमिनेंट सेम तो है नहीं गाइस, तो ये जो नया डिटरमिनेंट मिला वो बी के बराबर है, किसके बराबर गाइस, बी के। तो जैसे कि ए के बराबर था तो हम लोगों ने क्या निकाला, डेट ए, वैसे अगर बी के बराबर रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, डेट बी। चलिए डेट बी निकालते हैं, इसका टू टाइम्स नाइन टेन फोर सिक्स माइनस सिक्स टाइम्स सिक्स टेन ट्वेल्व सिक्स प्लस टेन टाइम्स सिक्स नाइन ट्वेल्व फोर। अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस, टू टाइम्स नाइन सिक्स अप फिफ्टी फोर माइनस फोर टाइम्स अप फोर्टी माइनस सिक्स टाइम्स सिक्स सिक्स अप थर्टी सिक्स माइनस ट्वेल्व टाइम्स अप वन ट्वेंटी प्लस टेन टाइम्स सिक्स फोर जब ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व टाइम्स अप वन ऑट एट। अगेन टू टाइम्स फिफ्टी फोर में से फोर्टी क्या, तो क्या मिलेगा गाइस, फोर्टीन माइनस सिक्स टाइम थर्टी सिक्स में से वन ट्वेंटी क्या, तो अगेन माइनस एटी फोर, क्योंकि वन ट्वेंटी बड़ा है और बड़े के पास माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस टेन टाइम्स ट्वेंटी फोर माइनस वन ऑट एट करने से भी माइनस एटी फोर ही मिलेगा, रीजन सेम है गाइस, क्योंकि वन ऑट एट बड़ा है और जब आप इसको माइनस करेंगे तो डेफिनेटली जो बड़ा है उसको साइन लगता है तो माइनस आ गया। टू टाइम्स फोर्टीन इज ट्वेंटी एट माइनस 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 प्लस सिक्स टाइम्स एटी फोर फाइव हंड्रेड फोर प्लस माइनस इज माइनस एटी फोर इंटू टेन इज एट फोर्टीन। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ट्वेंटी एट प्लस फाइव नॉट फोर क्या होगा इस, आपको ये होगा फाइव थर्टी टू माइनस एट फोर्टीन। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको माइनस थ्री हंड्रेड एट। अब थ्री नॉट एट और क्या लिख सकते हो, मैं टू टाइम्स माइनस वन फिफ्टी फोर, टू टाइम्स माइनस वन फिफ्टी फोर। अभी ध्यान दीजिए गाइस, मैंने क्या किया, थ्री नॉट एट को ऐसा लिख सकते हैं ना, यानी तीन सौ आठ को ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अभी एक ध्यान दीजिएगा, मैंने डेट ए में कितना नंबर मल्टीप्लाई किया था, टू, ठीक है ना, मतलब ए में कितना मल्टीप्लाई किया था, टू नंबर मल्टीप्लाई किया था, तो बी मिला था, बी को सॉल्व किया वैल्यू कितना मिला, टू टाइम्स माइनस वन फिफ्टी फोर। अभी ध्यान दीजिए माइनस वन फिफ्टी फोर क्या है, वो तो पहले भी लिख रहे थे, यानी कि अगर किसी डिटरमिनेंट के रो पे या कॉलम पे आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वो सीधा सीधा उसके जो डेट वैल्यू निकलेगी, यानी उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी उसमें वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इस वैल्यू पे मैंने दो मल्टीप्लाई किया था तो जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू इससे डबल रहेगी, अगर मैं तीन मल्टीप्लाई करता तो जो नया डिटरमिनेंट मिलता वो डेफिनेटली पहले वाले से तीन गुना होता, यानी थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होता। यानी कुल मिलाकर अगर मैं किसी डिटरमिनेंट ए के कुछ नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, मान के चलो वो नंबर मैंने ले लिया एन, अपने मन से कर लिया कुछ भी एन ले लिया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर उस डिटरमिनेंट पे मैंने ए एन मल्टीप्लाई किया तो वो मल्टीप्लीकेशन सीधा सीधा उसकी किस पे हो जाता है, डेट वैल्यू पे हो जाता है, किस पे हो जाता है, डेट वैल्यू पे हो जाता है। तो ये रहा आपका पहला, गिवन नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू एनी ऑफ द रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट देन इट इज इक्वल्स टू द सेम नंबर मल्टीप्लाई टू इट्स डेट वैल्यू। यानी कि अगर किसी डिटरमिनेंट पे कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है पर्टिकुलरली सिर्फ एक रो या एक कॉलम पे तो वो बराबर होगा आपका उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो और उस पर वो नंबर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि हम लोगों ने अभी इसमें किया। क्लियर है गाइस, अपन नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम नंबर टू पे। तो थ्योरम नंबर टू क्या बोलता है, थ्योरम नंबर टू ये बोलता है कि अगर किसी दिए गए डिटरमिनेंट पे अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, यानी रो की जगह कॉलम लिख दो और कॉलम की जगह रो लिख दो, तो उसकी डेट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं, समझते हैं थ्योरम नंबर टू बोलना क्या चाह रहा है। एक्चुअली थ्योरम नंबर टू के अकॉर्डिंगली अगर मान के चलिए मैंने डेट लिया है ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता है ये रो होता है, तीन रोज दिए गए,
और ये तीन कॉलम्स होते हैं, ये तीन कॉलम्स हैं। अगर इनमें मैं इंटरचेंज कर दूं, यानी रो को मैं कॉलम बना दूं और कॉलम को मैं रो बना देता हूं, ये बोलना ही चाह रहा है, जैसे कि रो क्या है यहां पर, ए वन बी वन सी वन एक रो है, अब मैं उसको कॉलम बना देता हूं, ए वन बी वन सी वन बन गया कॉलम। अब यही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस ए टू बी टू सी टू, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, यानी ए थ्री बी थ्री सी थ्री। क्लियर है गाइस? तो इसका कहना यह है कि अगर मैंने रो को कॉलम में लिख दिया, ऐसा करके सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो इससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर इसको सॉल्व करने से कोई वैल्यू मिलेगी तो डेफिनेटली वही वैल्यू इसको सॉल्व करने से भी मिलेगी। चलो एक एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। एक डिटरमिनेंट लिखा है, अब पहले अपन इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता है सॉल्व कैसे करना है, तो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना गाइस। 6479 माइनस 2 टाइम्स 5489 प्लस 3 टाइम्स 5687 1 टाइम्स 9654 माइनस 74 जब 28 माइनस 2 टाइम्स 95 जब 45 माइनस 84 जब 32 प्लस 3 टाइम्स 75 जब 35 माइनस 86 जब 48 1 टाइम्स 54 माइनस 28 करें क्या मिलेगा गाइस आपको, आपको मिलेगा 26 माइनस 2 टाइम्स 45 माइनस 32 13 प्लस 3 टाइम्स 35 माइनस 48 इज आल्सो माइनस 13 1 इंटू 26 इज 26 माइनस 2 इंटू 13 इज 26 प्लस माइनस माइनस 33 इज 39। तो यहां पर ध्यान रखना 26 माइनस 26 जीरो हो गया, 0 माइनस 39 कितना होता है माइनस 39, यानी कि इसको सॉल्व करने से क्या वैल्यू आ रही है माइनस 39। अपन इसको क्या करते हैं, अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ट्रांसपोज करने से क्या मिलेगा इस अपने को, जैसे इसमें ध्यान देना रो को कॉलम में कन्वर्ट किया था वैसे ही अपन भी करेंगे, तो इसमें जो रो दी हुई है जैसे आपको दिख रही होगी 1 2 3, ये एक रो है, अब इसको अपन कॉलम बना देंगे, यानी 1 2 3 दिखा आपको कैसे लिख रहा हूं मैं 5 6 4, अब उसको सेकेंड कॉलम तो 5 6 4, 8 7 9, अब उसको थर्ड कॉलम 8 7 9, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करना आता है 6 7 4 9 माइनस 5 टाइम्स, मैं सेम पहले वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूं ना, जैसे अपन पहले थे तो वैसे ही कर रहा हूं मैं, तो 2 7 3 9 प्लस 8 टाइम्स 2 6 3 4, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं 1 टाइम्स 9 6 अब 54 माइनस 7 4 अब 28 माइनस 5 टाइम्स 2 9 अब 18 माइनस 7 3 अब 21 प्लस 8 टाइम्स 2 4 अब 8 माइनस 6 3 अब 18 1 टाइम्स 54 माइनस 28 कितना मिलेगा गाइस, मिलेगा आपको 26 माइनस 5 टाइम्स 18 माइनस 21 माइनस 3 प्लस 8 टाइम्स 8 माइनस 18 माइनस 10 1 इंटू 26 माइनस माइनस प्लस 5 3 अब 15 प्लस माइनस माइनस 8 टाइम्स अब 18 26 प्लस 15 41 माइनस 18 41 माइनस 80 करें क्या आएगा माइनस 39, तो क्या आ रहा वैल्यू आपको माइनस 39 इसका, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है वो भी सेम माइनस 39। तो हो क्या रहा है, दिए गए डिटरमिनेंट को अगर आप ट्रांसपोज कर दो और सॉल्व करो तो भी उसकी वैल्यू उतनी ही आती है, यानी कि अगर आप डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज कर सॉल्व करते हो तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। यह था आपका थ्योरम नंबर 2। यानी थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर किसी दिए गए डिटरमिनेंट में आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, इंटरचेंज का मतलब होता है आपने रो को कॉलम बना दिया या कॉलम को रो बना दिया, तो भी इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू मिलेगी आपको वो वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। सो गाइस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अपना थ्योरम नंबर 1 था कि अगर किसी डिटरमिनेंट पे आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वो बराबर होता है उस डिटरमिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू के उस सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। थ्योरम नंबर 2 बोलता है कि अगर आप किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो तो उससे उसकी डायरेक्ट वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अपना थ्योरम नंबर 3 क्या बोलता है, थ्योरम नंबर 3 ये बोलता है कि अगर कोई डायरेक्ट वैल्यू आपको दी गई है, मतलब आपको कोई डिटरमिनेंट दिया गया है लाइक A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, और अगर आपने
ये थ्योरम नंबर टू से रिलेटेड है ना, तो ध्यान देकर सुनिएगा। और अगर आपने किसी दो रोज को इंटरचेंज किया, मैं रिपीट करता हूं, दो रोज को या दो कॉलम को, जैसे कि मान के चलिए मैं पहले दो रोज को इंटरचेंज करता हूं, टू रोज को इंटरचेंज, तो क्या मिलेगा? मान के चलो मैंने ये दो रो को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज का मतलब होता है उसकी जगह में किसी दूसरे को रख देना, मतलब उसकी जगह में उसको दूसरे को रख देना। जैसे कि अभी पहले रो पे क्या है, ए वन बी वन सी वन, और दूसरे रो पे ए टू बी टू सी टू। अब मैं क्या करूंगा, ए टू बी टू सी टू वाली रो को ऊपर रख दूंगा और इस रो को नीचे रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा गाइस, ए टू बी टू सी टू ऊपर आ जाएगा और ये पहला वाला रो सेकंड में चला जाएगा, यानी ए वन बी वन सी वन, और नीचे वाला तो एज इट इज है, क्लियर। और अगर मैंने किसी दो कॉलम को इंटरचेंज किया, तो मान के चलिए मैं कौन सी दो कॉलम लेता हूं, तो मैं यहां पर स्टडी कर रहा हूं पहले दूसरी कॉलम को, तो मैं क्या करूंगा, दूसरी वाले कॉलम पहले की जगह में चलती थी और पहली वाली दूसरी की जगह में, तो क्या मिलेगा मुझे, ये B1 B2 B3 वाला पहले चला जाएगा, B1 B2 B3 वाला पहले आ गया, अब A1 A2 A3 वाला बाद में आ जाएगा, तो A1 A2 A3, और बाकी C1 C2 C3 तो एज इट इज रहेगा गाइस अपनी जगह पे। क्या आया आपको समझ में? अब इसमें करना क्या है आपको, इसका कहना यह है कि अगर आपने दिए गए डिटरमिनेंट पे किसी दो रो या दो कॉलम की जगह को इंटरचेंज की, तो उससे उसकी डेप वैल्यू तो चेंज नहीं होती, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। अब ये साइन चेंज क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मैं यहां पर डेट ले रहा हूं, मैं थोड़ा छोटा डेट लूंगा ताकि आपको इजी समझ में आए, जैसे वन टू थ्री, वन टू वन, जीरो वन थ्री, तो मैंने यहां डेट लिया गाइस। अब इसमें मैं क्या करता हूं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी गाइस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करना आई थिंक आप लोगों को आता है, हो गया इसका। अब इसको सॉल्व करते फर्दर, टू थ्री जा सिक्स माइनस वन, वन जा वन माइनस टू टाइम्स, वन थ्री जा थ्री माइनस वन इंटू जीरो क्या होता है, जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं, वन इंटू वन वन माइनस टू जीरो जा जीरो, सो वन इंटू सिक्स माइनस वन इज फाइव, माइनस टू टाइम्स थ्री माइनस जीरो थ्री, प्लस थ्री इंटू वन, वन इंटू फाइव फाइव, माइनस थ्री टू जा सिक्स, प्लस थ्री वन जा थ्री, फाइव माइनस वन क्या होता है माइनस वन प्लस थ्री, और माइनस वन प्लस थ्री क्या होगा टू होगा, ठीक है, प्लस टू, ये बात याद रखिएगा। क्या हुआ आपका आंसर, प्लस टू हुआ। अब आपको करना क्या है, जैसे कि इसमें बोला गया कि दिए गए डिटरमिनेंट की आप दो रो को इंटरचेंज कर दो, तो चलो पहले मैं दो रो को इंटरचेंज कर देता हूं, तो अगर मैं दो रो को इंटरचेंज करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, चलो ध्यान दीजिएगा, इनमें मैं पहली रो और दूसरे रो को ही चेंज करता हूं, तो दूसरा वाला रो ऊपर चला जाएगा यानी वन टू वन, और ये वाला रो नीचे आ जाएगा यानी वन टू थ्री, नीचे वाला ऐसे किस जाएगा गाइस। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करना आता है आप लोगों को, मैं फिर भी यहां पर ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट सॉल्व करते जाता हूं, अब इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा गाइस, वन टाइम्स टू थ्री जा सिक्स माइनस थ्री वन जा थ्री माइनस टू वन, थ्री वन जा थ्री माइनस थ्री जीरो जा जीरो, प्लस वन टाइम्स वन वन जा वन माइनस टू जीरो जा जीरो, सॉल्व इट, वन इंटू सिक्स माइनस थ्री इज थ्री, माइनस टू टाइम्स थ्री माइनस जीरो इज थ्री, प्लस वन टाइम्स वन माइनस जीरो इज वन, नाउ थ्री वन जा थ्री माइनस थ्री टू जा सिक्स प्लस वन, तो थ्री माइनस सिक्स क्या होता है गाइस, थ्री माइनस सिक्स होता है माइनस थ्री, और ये प्लस वन, तो माइनस थ्री प्लस वन क्या होता है गाइस, माइनस टू। अब ध्यान दे रहे थे, जब इस डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व किया था तो मुझे वैल्यू क्या मिली, प्लस टू। अब मैंने क्या किया, इसी डिटरमिनेंट में किन्हीं दो रोज को मैंने इंटरचेंज कर दिया और फिर सॉल्व किया, तो वैल्यू ध्यान में गाइस, इधर टू मिला, इधर भी टू है, बस चेंज क्या है, इधर प्लस टू है और इधर क्या है माइनस टू। तो यही आपका थ्योरम नंबर थर्ड है। थ्योरम नंबर थर्ड बोलता है कि अगर आपको डिटरमिनेंट दिए गए हैं और आपने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से जो वैल्यू आया, अब आपने उस डिटरमिनेंट को चेंज कर दिया, क्या चेंज किया उस डिटरमिनेंट में, तो दो रोज को चेंज किया, यानी इंटरचेंज किया दो रोज की जगह को, और एल्स अगर आप दो कॉलम की जगह को इंटरचेंज करते हो तो भी आपको सेम मिलेगा गाइस। आपको दो कॉलम को इंटरचेंज करके खुद से बना सकते हो। अभी मैं आपको यहां पर बेसिक समझाता हूं कि थ्योरम थर्ड क्या बोलता है। थ्योरम थर्ड ये बोलता है कि अगर दिए गए डिटरमिनेंट में किन्हीं दो रोज या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो तो उसकी डेट वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ क्या होता है उसका साइन चेंज होता है। जैसे इसकी डेट वैल्यू कितनी निकली, टू, चेंज इंटरचेंज करने के बाद उसकी डेट वैल्यू कितनी निकली, टू, लेकिन बस साइन चेंज है, यहां प्लस टू है और यहां पर माइनस टू है। तो ये है आपका थ्योरम नंबर थ्योरम थर्ड क्या बोलता है, थ्योरम थर्ड आपको ये बोलता है कि बाय इंटरचेंजिंग टू रोज और टू कॉलम, यानी अगर किसी दो रो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो तो डेट वैल्यू की सिर्फ साइन चेंज होती है, साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन
डेट वैल्यू जो है वो अभी भी क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, अभी भी क्या रहता है, वो सेम रहता है। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है गाइस, थ्योरम नंबर 4, वो ये बोलता है कि अगर दिए गए डिटरमिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो रही है, आइडेंटिकल का मतलब है कि उस, अगर दो रो आइडेंटिकल है इसका मतलब है कि उस दोनों रो में जो नंबर है, जो एलिमेंट है, वो दोनों के दोनों सेम है, एग्जैक्ट सेम, तभी वो दो रो क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। सेम कॉलम के लिए अगर किन्हीं दो कॉलम के एलिमेंट्स जो है वो सारे सेम है तो वो दोनों कॉलम आइडेंटिकल होंगे, और ऐसे डिटरमिनेंट की डेट वैल्यू हमेशा जीरो आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये 1, 2, 1 है, ये भी 1, 2, 1 है, और इसको मैं ले लेता हूं 2, 6, 1। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि ये रो और ये रो दोनों सेम है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, चलिए इसको सॉल्व करना आता है आप लोगों को, अपन लोग सारे डेट वैल्यू काफी बार सॉल्व कर रहे हैं, आप भी सॉल्व करिएगा क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस होगा और आप काफी बेहतर बनते जाएंगे जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो मैं तो प्रीफर करूंगा आपको कि आप डायरेक्टली इनको सॉल्व जरूर करिएगा। तो ध्यान देते अपन सॉल्व करते हैं, 2 - 6 - 2 - 1 - 2 + 1 - 6 - 4, 1 × 2 - 6 - 4, -2 × 1 - 2 - 1 + 1 × 6 - 4 = 2। तो 1 × -4 कितना होता है गाइस, -4 होता है, -2 + 1 = 2 + 1 = 2। नाउ ध्यान देना गाइस, -4 2 + 2 = 4, नाउ +4 and -4 = 0। तो मैंने आपको क्या बोला था, थ्योरम नंबर 4 के अकॉर्डिंगली अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल यानी सेम होंगे, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये दो पहला रो और सेकेंड रो दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब होता है दोनों एलिमेंट सेम होंगे, जैसे 1 1 2 2 1 1 सेम है ना, तो ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको पहले से ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा करके। क्लियर है गाइस? आपको मैं एक बार और बता दूं कि आपको कभी भी, अब क्योंकि आप बीकॉम में हो तो आपको कभी भी ऐसा नहीं देगा कि एग्जैक्टली 1 2 1 1 2 1, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे भी दे सकता है लाइक 1 2 1, सेम डिटरमिनेंट को मैं लिख रहा हूं 2 4 2 2 6 1। अब देखिएगा, अब आपको इसमें लग रहा होगा कि इनमें तो कोई भी रो या एलिमेंट सेम नहीं है, रो या कॉलम के एलिमेंट सेम नहीं है, तो एक्चुअली में ये है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दिमाग इस चीज में लगाना है कि क्या इनमें से कोई भी नंबर कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन निकलता है, जैसे पहले वाले रो से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं, दूसरे वाले रो से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, हाँ 2 कॉमन निकल सकता है, 2 बार निकल, क्या बचेगा 1 2 1। इस वाले रो से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं। अब आप मैच करिए, देखिए यहां पर ये पहला रो और ये दूसरा रो दोनों क्या है, आइडेंटिकल हो गए, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इसी सेम को क्या करता हूं, कॉलम में आपको ट्राई करके बताता हूं, मैंने बोला दो रो, अब दो कॉलम पे मैं करता हूं, यानी दो कॉलम की वैल्यूज को मैं सेम ले लूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखिए गाइस, अब यहां पर क्या किया मैंने, ये दोनों कॉलम की वैल्यूज को सेम ले ली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों सेम कैसे हो गया, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये वाला जो पैटर्न अभी पढ़ाया था कि कॉमन निकल रहे तो निकाल दो वाला, तो उसी पैटर्न पे मैंने इसको किया है। तो इनमें ध्यान दीजिए, पहले वाले कॉलम में से कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं, दूसरे वाले कॉलम में से कुछ कॉमन निकलेगा, डेफिनेटली यस 2 कॉमन निकलेगा। तो पहला वाला कॉलम तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकला, दूसरे वाले कॉलम में से 2 कॉमन निकलेगा, क्या बचे, कुछ नहीं का मतलब हमेशा 1 होता है। इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा क्या गाइस, नहीं निकलेगा, तो उसको एज इट इज लिख दो। अब यहां ध्यान दीजिए, ये एक कॉलम और ये एक कॉलम दोनों आइडेंटिकल हो गए। अब दोनों आइडेंटिकल हो गए अगर, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 0 हो जाएगी, वही थ्योरम नंबर 4 बोलता है। अगर आपको डाउट है तो फिर आप अपने से इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको आंसर डेफिनेटली 0 आएगा। तो आई होप आप लोगों को थ्योरम नंबर 4 समझ में आया होगा। थ्योरम नंबर 4 के अकॉर्डिंगली अगर कोई एक डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी डेट वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। गाइस आपका थ्योरम नंबर 4 क्या बोलता है कि इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर सेम, यानी कि अगर दो रो और दो कॉलम किसी डिटरमिनेंट का सेम है, यहां पर आप सेम की जगह आइडेंटिकल वर्ड भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो, क्या बोल रहा हूं मैं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम होता है। तो अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो इसकी डेट वैल्यू क्या होगी गाइस, 0 होगी, ये आपका थ्योरम नंबर 4 बोलता है। नेक्स्ट अपना थ्योरम है गाइस, थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5 क्या बोलता है
कि अगर किसी दिए गए डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है तो भी उसकी डेट वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जैसे कि मान लीजिए डिटरमिनेंट है, इसका एक कॉलम जीरो है और बाकी कॉलम में कुछ लिखा हुआ है 2, 4, 6, 9, 14 एंड 16, तो गाइस इसकी वैल्यू आएगी जीरो आएगी। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर इसका कोई एक रो भी जीरो हो जाए, यानी 2, 4, 6, 0, 0, 0, 9, 14, 16, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी गाइस, जीरो ही आएगी। तो अगर किसी दिए गए डिटरमिनेंट का एक कॉलम या एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसकी डेट वैल्यू भी क्या आती है गाइस, जीरो आती है। ये होता है थ्योरम नंबर 5। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलो मैं करके बताता हूं इसको। 0 × 4 = 16 − 14 × 6 − 2 × 0 × 16 − 14 × 0 + 9 × 0 × 6 − 4 × 0। वैसे सॉल्व कर लेते गाइस, 0 × 16 = 64 − ये आया गाइस आपका 84 माइनस 2 × 0 × 16 = 0 − 14 × 0 इज ऑल्सो 0 प्लस 9 × 10 0 × 6 = 0 − 4 × 0 = 0 0 × 64 − 84 करें क्या आएगा −20 −2 × 0 − 0 = 0 एंड प्लस 9 0 − 0 = 0 0 × −20 = 0 − 2 × 0 = 0 स्टिल 9 × 0 = 0 सो 0 − 0 = 0 0 0 0 0 आंसर इज 0। तो आगे गाइस आपको आंसर सेम पैटर्न, आप इसके लिए खुद ट्राई करिएगा, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो थ्योरम नंबर 5 क्या बोलता है गाइस, थ्योरम नंबर 5 ये बोलता है कि अगर दिए गए डिटरमिनेंट में किसी कॉलम या किसी रो की सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसका डेट वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। ये कौन बोलता है, थ्योरम नंबर 5। क्या पढ़ रहे हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में थ्योरम नंबर 5 ये बोलता है कि एक डिटरमिनेंट में किसी कॉलम या किसी रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो हुए तो उसकी डेट वैल्यू भी डेफिनेटली जीरो होगी। पहले आपका थ्योरम नंबर 5 क्या बोलता है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज जीरो देन इट्स डेट वैल्यू इज ऑल्सो जीरो। अगर किसी डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है तो इसकी डेट वैल्यू भी डेफिनेटली क्या आएगी, जीरो आएगी। थ्योरम नंबर 6 क्या बोलता है गाइस, थ्योरम नंबर 6 ये बोलता है कि अगर दिए गए डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम किसी समेशन के फॉर्म में दिया है तो आपको स्प्लिट कर सकते हो दो अलग अलग डिटरमिनेंट में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो मेरे को एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है a1 + b1, ठीक है, और दिया हुआ है c1 d1, फिर दिया है a2 + b2 c2 d2, a3 + b3 c3 d3। ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, यहां पर ध्यान देना, यहां पर पर्टिकुलरली एक कॉलम में जो यहां पर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स समेशन के फॉर्म में, यानी एडिशन के फॉर्म में। जैसे दो एलिमेंट को जोड़ने से मेरे को एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिल रहा है, यानी यहां पर दो नंबर को जोड़ने से मेरे को एक नंबर मिल रहा है, इस कॉलम का एक एलिमेंट मिल रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे गाइस, तो थ्योरम नंबर 6 ये बोलता है, थ्योरम नंबर 6 ये बोलता है कि अगर इस टाइप का डिटरमिनेंट आप कभी आपको दे तो आप उसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट पे तोड़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप तोड़ सकते हो a1 के साथ, बाकी को छोड़ दीजिएगा, फिर सिर्फ a1 लिखिए यहां पर a1 और बाकी एलिमेंट्स लिख दीजिए c1 d1। वैसे पहला वाला एलिमेंट लीजिए a2 c2 d2, वैसे इधर का पहला वाला एलिमेंट a3 c3 एंड d3। अब बीच में क्या साइन दिया गाइस, तो डेफिनेटली आपको क्या लेना, प्लस लेना है। इसके अलावा यहां पर क्या एलिमेंट दिए हुए, b1, क्योंकि हम लोगों ने a1 को एक बार ले लिया, अब b1 को लेंगे, b1 के साथ कौन आएगा c1 एंड d1, वैसे b2 के साथ कौन आएगा गाइस c2 d2, वैसे अब b3 के साथ c3 d3। तो कंप्लीटली अगर ये डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है तो इस डिटरमिनेंट को आप इन दोनों के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो और आप इसको सॉल्व करो या इनको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके ऐड करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप लोगों को ये समझ में आया, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे मान के चलो मैं इसकी जगह कोई नंबर लूंगा छोटा छोटा, जैसे 1 + 2 2 + 3 3 + 1, ठीक है, और इधर ले लिया मैंने 1 2 1 3 1 4, क्लियर है गाइस। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, कैसे कैसे ध्यान दीजिए, एक बार 1 के साथ यानी 1 1 2 2 1 3 एंड 3 1 4, और प्लस ये मैं पहला वाला नंबर इंक्लूड कर लेगा इसी वाला, देखिए 1 2 3 वाला, और बाकी तो एजिट इज आती है। अब नेक्स्ट वाला लेते 2 3 1 वाला, तो 2 3 1, और बाकी एजिट इज आएंगे 1 1 1 एंड 2 3 4।
क्लियर है आपको ये? अब आप चाहे इसको सॉल्व करो या फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और ऐड कर दो, तो आपको डेफिनेटली दोनों में आंसर सेम ही मिलेगा गाइस। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं पहले। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। जैसे 1 प्लस 2 क्या होता है? 3, 1, 2, 2 प्लस 3, 5, 1, 3, 3 प्लस 1, 4, 1, 4। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से आएगा गाइस, अब क्योंकि हम लोग काफी बार देख चुके हैं सॉल्यूशन, तो मैं अब इसको डायरेक्टली कर रहा हूं। आप लोग उतने एलिजिबल हो गए हो कि आप लोग खुद से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो 3 इंटू 4 माइनस 3 इज 1, माइनस 1 इंटू 20 माइनस 12 इज 8, प्लस 2 इंटू 5 माइनस 4 इज 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 वन जा 3, माइनस 1 एट जा 8, प्लस 2 वन जा 2। आप इसको सॉल्व करें आपको आंसर आएगा माइनस 3। क्लियर गाइस आपको ये? अब मैं इस वाले डिटरमिनेंट को गाइस मैं पर्टिकुलरली इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 4 माइनस 3, माइनस 1 इंटू 8 माइनस 9, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3। इसको आगे बढ़ते हैं, 1 इंटू 4 माइनस 3 इज 1, माइनस 1 इंटू 8 माइनस 9 इज ऑल्सो माइनस 1, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज ऑल्सो माइनस 1। तो 1 वन जा 1, और ये माइनस माइनस प्लस 1, प्लस माइनस माइनस 2 वन जा 2, 2 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इज 0। तो इस वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई गाइस? 0 आ गई। ठीक है, अब गाइस मैं पर्टिकुलरली इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाला हूं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 2 इंटू 4 माइनस 3, माइनस 1 इंटू 12 माइनस 3, प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1। 2 इंटू 4 माइनस 3 इज 1, माइनस 1 इंटू 12 माइनस 3 इज 9, प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 इज 2। 2 वन जा 2, माइनस 1 9 जा 9, प्लस 2 2 जा 4। तो यहां पर ध्यान देना गाइस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 9 इज माइनस 7, और माइनस 7 प्लस 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? माइनस 3। अभी वेट करिए, ध्यान देना। जब अपन पहले वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो वैल्यू कितना आया? 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी गाइस? 0 प्लस, ये प्लस दिया। इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से कितना आया गाइस? माइनस 3। तो 0 प्लस माइनस 3 क्या होता है गाइस? माइनस 3 ही होगा। और इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा? माइनस 3। यानी कि आप इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा आपको? माइनस 3। दोनों क्या है? सेम। अपना ये सिक्स थ्योरम था कि अगर किसी रो के सारे एलिमेंट्स को किन्हीं दो टर्म्स के सम में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो उस डिटरमिनेंट को भी दो डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। सो गाइस, ये थे आपके सारे थ्योरम्स डिटरमिनेंट के। इसके अलावा और भी 3 थ्योरम्स हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ना ही कभी वो आप लोगों के यूज पड़ेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली इन 6 थ्योरम्स का यूज होगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। तो मैंने इन 6 थ्योरम्स को आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके अलावा मैंने सारे के एग्जांपल्स भी दिए थे। तो मेरे हिसाब से इतना इनफ है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन डील करेंगे कोफैक्टर निकालना। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी कि अपन ए इनवर्स यानी कि इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, किसी डिटरमिनेंट का उल्टा कैसे निकालेंगे। ठीक है गाइस, सो थैंक यू।